thank you for coming, and thank you very much for the overwhelming response to the trailer. It's been welcomed and received so warmly. बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत घबराहट भी हो रही है अब, क्योंकि फिल्म को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे थोड़ा सा डर लगने लगा है. उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरेंगे. आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि हमारी फिल्म का एक गाना हम आज यहाँ पे लॉन्च करेंगे. उसका नाम है ए वतन, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने. Shankar Ehsan Loy are the composers, and Gulzar Saab has written the lyrics. This is us, and that's what we've been doing all these days. thank you all for being here. पहले तो मैं कहूँगी, right now मेरी जो director साहब है वो काफ़ी nervous है. अगर आपको obviously अभी तक दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि I don't think हमने expect किया था कि ऐसे जो छोटी सी फिल्म हम बनाने निकले थे, जो हमने आई थिंक 49 डेज में बनाया था चुपचाप बिना कुछ कहे, एक दिन में 7 सीन शूट करते समय ये कभी फील नहीं हुआ था कि वील बी हियर एंड वील बी वी वुड हैव रिसीव्ड. ऑफ कोर्स वी होप्ड फॉर अ ब्यूटीफुल रिस्पांस, बट वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ ब्यूटीफुल रिस्पांस. तो आपको पहले थैंक यू कहना चाहेंगे, जिन्होंने इस ट्रेलर को इतना प्यार दिया है, इन सबको थैंक यू कहना चाहेंगे. मैंने मुझे किताब दी गई थी एंड आई डिड गो थ्रू इट, बट आई ऑल्सो ऑलवेज बिलीव दैट लेस इज मोर. द फिल्म वॉज माई ओनली आई थिंक बाइबल, यू कैन से द स्क्रिप्ट टू रियली रिफर टू, क्योंकि किताब काफ़ी इज वेरी एक्सटेंसिव, देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज. तो हमने एक आई मीन देयर इफ यू गो टू मेक द किताब तो काफ़ी 2-3 पार्ट बन जाएंगे. तो इसमें हमने इस जर्नी को लेकर फिल्म बनाई थी. तो आई डेंट नीड टू गो थ्रू द होल बुक. आई जस्ट रेड इट फॉर फन मे बी, क्योंकि मुझे एक अच्छा सा फीलिंग आया कि यू नो बुक है ऑलरेडी उसके ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट, और मेरे पास बुक था. बट आई लाइक टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट. एक छोटा सा सवाल और, कि हाल ही में कश्मीर में कठुआ में एक छोटा सा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसपे बॉलीवुड में काफ़ी नाराजगी है, गुस्सा है, सारे एक्टर्स ने अपना गुस्सा भी दिखाया है. आपका कोई ओपिनियन है उस इंसिडेंट पे कठुआ में जो 8 साल की बच्ची के साथ हुआ? ऑफ कोर्स ओपिनियन है, बहुत बड़ा ओपिनियन है, एंड आई डोंट थिंक ओनली बॉलीवुड में नाराजगी है, आई थिंक ऑल ओवर द कंट्री नाराजगी है, लोगों के ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन लेवल नाराजगी है. इट्स अ वेरी डिसग्रेसफुल, शेमफुल, terrible thing that's happened. As a girl, as a woman, as an individual, as a human being, as a resident and as a part of this country, I feel very bad and very hurt that something like this has happened. Ek time tha jab main bahut padh rahi thi iske upar, and last 2 days I've just parked it. I said if I keep reading about it, it's just going to make me more and more upset and angry and really really hurt. मैंने ट्वीट में भी कहा था कि आई जस्ट होप दैट, आई रियली होप फ्रॉम माई हार्ट दैट जस्टिस इज सर्व्ड, एंड या दैट्स ऑल आई कैन से. एंड आई थिंक एज अ कंट्री एंड एज पीपल एंड एज द पार्ट मेंबर्स ऑफ द मीडिया, एंड आई एम श्योर यू गाइज आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बट वी शुड रियली गो आउट देयर एंड कंडेम दिस, बिकॉज दिस कैन नॉट बी हैपनिंग टू अस कॉन्स्टेंटली. हाय आलिया. हाय. यू हैव अ लवली वॉइस, कैन यू सिंग 2 लाइंस फ्रॉम ए वतन फॉर अस प्लीज? प्लीज. ओके. Is it your birthday? No. I don't know, I feel like it's your birthday. No, but it's a special day because the song is really nice and it's Ae Watan's birthday. It's Ae Watan's birthday. Yeah. Okay. Ae Watan Watan mere aabad rahe tu, main jahan rahun jahan mein yaad rahe tu. Ae Watan मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन. हाय आलिया. डन. थैंक यू. ओके. नाइस. थैंक यू. ऑन अ म्यूजिकल नोट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. थैंक यू.